यह जान लो कि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम वक्त शुरू होने जा रहा है। या तो टूट कर बिखर जाओ या लड़ो जब तक कि तुम जीत न जाओ। जिंदगी बहुत कठिन है अभी, मुश्किलें, दर्द, अधूरे सपने, लोगों की सवालिया नजरें, पिछली असफलताओं की टीस, नम आंखों की वजह से धुंधला दिखता भविष्य, मुंह तक आए निवाले के छिन जाने की पीड़ा, बहुत से कारण हैं आगे बढ़ने से रोकने के लिए। जिंदगी अभी और भी कठिन होने वाली है। लोग तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे, तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देंगे, फोन पर चिल्लाएंगे, पर तुमको बस इतना समझ लेना है कि यह सब वे तुम्हें नहीं कह रहे, वे तुम पर गुस्सा नहीं हो रहे, वे तुम पर दरवाजा बंद नहीं कर रहे, वे तुमसे दूर नहीं भाग रहे, वे ऐसा नहीं कर सकते, वे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुमसे मिले ही नहीं है अभी तक। और बिना मिले या बिना जाने कैसे कोई किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है? तो फिर वे ऐसा क्यों करेंगे? वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पिछला अनुभव खराब रहा है, उनका अब तक का अनुभव खराब रहा है। तुम खराब नहीं हो, उनका पिछला अनुभव खराब रहा है। लोग देखेंगे तुमको पर उन्हें याद आएंगे पुराने चेहरे, वो लोग जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया, धोखा दिया, और ऐसे में स्थितियां पहले से भी बदतर होती दिखाई देंगी। और हर बार पुरानी जिंदगी ज्यादा आरामदायक और सरल प्रतीत होगी। तुमको बार बार ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। पर सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम इसे यहाँ छोड़ देना चाहते हो, वापस लौट जाना चाहते हो उसी मजबूरियों वाली, समझौतों वाली, पीड़ा वाली, सिर्फ नाम भर की जिंदगी में, या फिर लड़ना चाहते हो एक ऐसी जिंदगी हासिल करने के लिए जो हमेशा से ही तुम्हारा सपना रही है। बस इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या खो दोगे? मजबूरियां, समझौते, दर्द, गम, और दूसरी तरफ पाने के लिए असीम संभावनाएं हैं। हार मानने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस व्यक्ति की आंखों में देखना जिसकी वजह से तुम हार मान रहे हो, पीछे हट रहे हो। क्या वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है? उसकी आंखों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और जो दिखाई दे रहा है क्या वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है कि तुम सब कुछ खत्म कर रहे हो? फिर देखना खुद की आंखों में, अपने जीवन साथी की आंखों में, अपनी माँ, अपने पिता, अपने बच्चों की आंखों में, और फिर खुद से पूछना कि जो कुछ भी उनकी आंखों में देखा क्या वह पर्याप्त वजह नहीं है डटे रहने के लिए, लगे रहने के लिए? दरअसल यही तो वह वजह है जिसके लिए तुमने यह सब शुरू किया था। अगर तुम्हें कोई भी कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसकी बात पर यकीन मत करना। वह तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह खुद नहीं कर पाया। याद रखना, तुम्हारा सपना तुम्हारा है, उसे किसी और को चुराने मत देना, छीनने मत देना। तुम शायद यकीन नहीं करोगे पर जब तुम छोटे थे, बहुत छोटे, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने हाथों में ऊपर उठाकर तुम्हारी माँ से कहा होगा, यह बच्चा एक ऐसा जीवन जिएगा जो दूसरों से बेहतर होगा, एक साधारण जिंदगी से बेहतर। फिर उन्होंने तुम्हें वह सब कुछ देने की कोशिश की जो वो तुम्हें दे सके, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब जिंदगी की लगाम तुम्हारे अपने हाथों में आई, जिस पल का तुम हमेशा से इंतजार कर रहे थे। तुम जिंदगी को वहां ले जा सकते थे जहां तुम ले जाना चाहते थे, पर अब तुम इसे छोड़ देना चाहते हो क्योंकि जिंदगी की रफ्तार तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तेज है। अरे छोड़ना ही है तो इस गलतफहमी को छोड़ो कि यह तुम नहीं कर सकते। लगाम तुम्हारे हाथों में है, यही इस बात का पहला प्रमाण है कि तुम यह कर सकते हो। तुमने शुरुआत भी की पर फिर तुम बदल गए, तुमने आत्मविश्वास खो दिया, तुमने लोगों को तुम पर उंगली उठाने दी, उन्हें यह कहने दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम नहीं कर सकते। और फिर जब मुश्किलें बढ़ने लगी तो तुमने असफलता के लिए कारण ढूंढने शुरू कर दिए, उन्हें ढूंढने लगे जिन पर तुम अपनी असफलताओं का दोष डाल सको। क्या तुम पहले से नहीं जानते थे कि जिंदगी हमेशा ही सुनहरी धूप और इंद्रधनुष की तरह नहीं होती, यह गंदी और चूस लेने वाली जोंक की तरह भी होती है? इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितनी पढ़ाई की है, या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है। प्रोस्पेक्ट का व्यवहार तुम्हें असह्य चोट पहुंचाएगा, तुम्हारे ईगो को मसल कर रख देगा, तुम्हारे आत्मसम्मान को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेगा अगर तुम ऐसा करने दोगे।
मैं, तुम या कोई भी किसी को इतनी चोट नहीं पहुंचा सकते जितना कि एक प्रोस्पेक्ट की नाक। पर यहाँ जीतने के लिए अच्छा होना, बहुत पढ़ा लिखा होना या फैमिली बैकग्राउंड इतना अहम नहीं है जितना कि तुम कितनी ज्यादा बार प्रोस्पेक्ट की नाक को सहन कर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। क्योंकि यहाँ जीत इसी तरह से हासिल की जाती है। तुम हारने से कभी मत डरना, पर लड़ना जीतने के लिए। हार का मतलब सिर्फ यही है कि जीतने के लिए जितनी तैयारी की जरूरत थी उतनी नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। अपनी असफलता के लिए किसी और पर उंगली मत उठाना, मत कहना कि तुम इसकी या उसकी वजह से सफल नहीं हो सके। ऐसा सिर्फ कायर करते हैं, और तुम कायर नहीं हो, तुम उनसे कहीं बेहतर हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो तो जाओ साबित करो इसे, पर इसके लिए कीमत चुकानी होती है। यहाँ तुम्हारे पसीने या आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। देखना है कि तुम क्या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना खून तक बहाने को तैयार हो। सफलता यह देखकर नहीं आती कि तुम क्या हो, कैसे हो, वो तो बस यह देखती है कि तुम उसे कितने शिद्दत से चाहते हो। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। कुछ लोग तुम्हारे मुंह पर और कुछ तुम्हारे पीछे कहते हैं कि तुम्हें कितना भी सिखा दे, कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, कुछ नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ एक गलती हो अपने माता पिता की,